आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस थर्ड सेशन ऑफ टैक्स लिटरेसी सीरीज. आई एम सो हैप्पी दैट यू ऑल आर फॉलोइंग द सेशन सो अमेजिंगली वेल. ऑफकोर्स टू गेट दिस थर्ड सेशन इट टुक सम टाइम बिकॉज आई वॉज बिजी इन सम वर्क, बट मीन वाइल आई मेट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु आर फॉलोइंग दिस सेशन एंड रियली दे गेव मी अमेजिंग फीडबैक. ओके एंड माइंड यू दैट फीडबैक वॉज विदाउट आस्किंग. So they were like, Pratik, where is the third session? So that actually showed that with what interest and what intensity you're following the sessions. I'm very happy about it. Please keep this same enthusiasm and I'm sure that you will understand income tax in a systematic way. So we are starting in today's session the second head of income, which is income from house property. Correct? So dekhte hain kya hota hai income from house property. तो क्या ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सबके लिए जानना कंपलसरी है? आंसर इज ऑब्वियसली यस, बिकॉज एज एन इंडिविजुअल आई कीप ऑन क्रिएटिंग प्रॉपर्टीज. करेक्ट, मे बी आई हैव वन हाउस, सेकंड लग्जरी होम, करेक्ट, और यू कैन से वीकेंड होम, ओके, थर्ड होम वेयर मे बी माई चिल्ड्रन आर स्टेइंग और माई पेरेंट्स आर स्टेइंग, वन होम विच इज मे बी गिवन ऑन रेंट, वन प्रॉपर्टी इन विच से यू आर कैरिंग ऑन बिजनेस. सो ऐसे आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो सकते हैं. तो उनके लिए टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होता है ये जानना इम्पॉर्टेंट है एंड वो आज जानेंगे. ओके, बाय वर्च्यू ऑफ दिस टॉपिक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. तो एंड तक जुड़े रहना मेरे साथ. आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन इन द एंड एज यूजल विच यू विल आंसर इन द कमेंट सेक्शन. चलो स्टार्ट करते सेशन. So what exactly is chargeable to tax under this head? According to Income Tax Act, annual value of property which is owned by the assessee. मतलब इस head में income तभी cover होगा if you are owner of the property. Correct? You should be owning the property. Then you will calculate its annual value and that annual value will be chargeable to tax. तो sir, क्या रेंट रिसीव्ड टैक्सेबल नहीं होता है? यस, रेंट रिसीव्ड टैक्सेबल होता है, लेकिन रेंट रिसीव्ड यूज होता है टू कंप्यूट समथिंग कॉल्ड एज एनुअल वैल्यू. तो एग्जैक्टली कैसे होता है कंप्यूटेशन देखने वाले हैं जैसे आगे जाते हैं. सो एक सीधा साधा फॉर्मेट है फॉर कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. दैट फॉर्मेट इज यू शुड कैलकुलेट समथिंग कॉल्ड एज ग्रॉस एनुअल वैल्यू. ओके, उस जीएवी में से डिडक्शन लोगे म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द पीवाई. मतलब जो भी आप म्यूनिसिपल टैक्स पे करते हो उसका सब्ट्रैक्शन होगा. सो यू विल गेट समथिंग कॉल्ड एज नेट एनुअल वैल्यू. एंड आपको पता है ये एनएवी टैक्सेबल होने वाली है, बट गवर्नमेंट इज काइंड इनाफ टू गिव यू टू डिडक्शंस. कौन से डिडक्शंस मिलेंगे आपको? Yes, you will get deduction called as standard deduction. Sir, ये तो salary में भी मिला था. Exactly, salary में था standard deduction, flat 50,000 rupees, isn't it? यहाँ पे standard deduction is how much? It is 30% of the net annual value. Getting it? And then you can take deduction of, sorry, हम आ गए यहाँ पे, sorry. You can take deduction of इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, मतलब हाउसिंग लोन. गेटिंग द पॉइंट? एंड देन यू विल गेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. तो एकदम सिंपल है फॉर्मैट. जीएवी लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस, यू गेट एनएवी लेस टू डिडक्शंस, स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, एंड यू आर गोइंग टू गेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. अब देखते हैं टाइप्स ऑफ हाउसेस. कौन कौन से हाउसेस हो सकते हैं? यू कैन हैव अ प्रॉपर्टी विच यू ओन बट विच इज यूज इन योर ओन बिजनेस. ओके, द गुड न्यूज इज दैट इट इज नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड. ओके, जो हाउस हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं वो टैक्स नहीं होगा इस हेड में. ओके, एक्चुअली स्पीकिंग वो कहीं पे भी टैक्स नहीं होगा बिकॉज वी आर यूजिंग इट फॉर आवर ओन बिजनेस. देन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी. फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी एनएवी विल बी डायरेक्टली टेकन एज
नील, एनएवी नील है मतलब इम्प्लीकेशन देखो, ये जो है थर्ड पॉइंट सी पॉइंट, ये डायरेक्टली नील होता है इफ द प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। इसका मतलब गवर्नमेंट का इंटेंशन देखो, गवर्नमेंट डज नॉट वॉन्ट टू टैक्स इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, इजंट इट। देखो एनएवी नील है मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन नील एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, मतलब जो हाउसिंग लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे होगा उसका आप डिडक्शन ले सकते हो। मतलब अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है विच इज टेकन बाय ओन फंड्स, देन देर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ओके, देन ऑब्वियसली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विल बी जीरो। समझ में आ रहा है? तो गवर्नमेंट डज नॉट वॉन्ट टू टैक्स यू, बट इफ यू आर पेइंग इंटरेस्ट ऑन लोन देन दे गिव यू डिडक्शन। दे गिव यू डिडक्शन मतलब आपका इनकम होगा निगेटिव, मतलब होगा लॉस। एंड गुड न्यूज इज दैट लॉस इन केस ऑफ इनकम टैक्स इज अ गुड थिंग, इजंट इट? बिकॉज टू द एक्सटेंट ऑफ लॉस योर टैक्सेबल इनकम विल गो डाउन। गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रहा है? तो इन शॉर्ट गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू गिव यू बेनिफिट विथ रिस्पेक्ट टू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। आगे जाके देखते हैं, ओके, एग्जैक्टली कैसे होगा। लेट आउट प्रॉपर्टी, यस, दिस इज द प्रॉपर्टी विच इज एक्चुअली गिवन ऑन रेंट एंड उसका हमें जीएवी कैलकुलेट करना होगा एंड फॉलो द फॉर्मेट एंड गेट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एंड और एक कॉन्सेप्ट है मजेदार विच इज डीम्ड टू बी लेट आउट। ओके, प्रॉपर्टी विच इज डीम्ड टू बी लेट आउट मतलब क्या? देखो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस सिर्फ दो हाउसेस को दिखा सकते हैं। मतलब सोचो एसएससी, आप में से एक एसएससी के पास तीन हाउसेस है। कितने हाउसेस है? तीन, यू हैव थ्री हाउसेस। ओके, व्हाट यू आर डूइंग नाउ, इन वन यू आर स्टेइंग, वन इज केप्ट वेकेंट, करेक्ट? वन इज केप्ट वेकेंट, मे बी यू आर यूजिंग इट एज योर सेकेंड हाउस और मे बी योर पेरेंट्स आर स्टेइंग देयर, करेक्ट? एंड जो थर्ड हाउस है वो आपने लेट आउट किया है, मतलब रेंट पे दिया है। तो अभी आपके पास दो हाउसेज है, तो दिस टू विच यू आर ऑक्यूपाइंग कैन बी शोन एज सेल्फ ऑक्यूपाइड, देर इज नो प्रॉब्लम। ओके, थर्ड वन यू हैव ऑलरेडी गिवन ऑन रेंट, सो देर इज नो प्रॉब्लम, टू हाउसेज कुड बी शोन सेल्फ ऑक्यूपाइड। बट इश्यू आएगा जब जो थर्ड हाउस है ना वो भी लेट आउट नहीं किया है, मतलब तीनों के तीनों हाउसेस आर सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब यू डिड नॉट गिव इट ऑन रेंट, मे बी यू आर स्टेइंग फिजिकली इन वन ऑफ देम ओनली, बट अदर टू आर नॉट लेट आउट। समझ में आ रहा है? तो अब आपके पास तीन हाउसेस है एंड ऑल ऑफ देम आर एक्चुअली स्पीकिंग सेल्फ ऑक्यूपाइड, बट आप इनकम टैक्स के अनुसार सेल्फ ऑक्यूपाइड कितने दिखा सकते हो? सिर्फ दो हाउसेस, करेक्ट? तो जो एक हाउस बचेगा दैट विल बी कॉल्ड एज डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। एंड उस डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए एनएवी नील नहीं होगा, एनएवी नील होता है सिर्फ और सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस के लिए, इजेंट इट? वेरी गुड, फंटास्टिक, आई होप आपको समझ में आ गया। सो तीन हाउसेज है आपके पास, हाउस ए, हाउस बी, हाउस सी। एग्जैक्टली कौन से दो हाउसेस आप सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखाना चाहते हो टोटली डिपेंड्स ऑन यू, मतलब ये एसएससी का ऑप्शन है, करेक्ट? चलो आई होप आपको एटलीस्ट डीएलओ की कॉन्सेप्ट समझ में आ गई है, करेक्ट? सो ये स्लाइड आपको क्यों दिखाई? सो दैट यू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ यस सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी एंड डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। ओके, एंड ऑब्वियसली प्रॉपर्टी विच यू आर यूजिंग इन योर ओन बिजनेस इट इज नॉट कंसिडर्ड फॉर टैक्सेशन अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ओके, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का मतलब देखो, वाई एम आई गोइंग टू इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल? बिकॉज आप सपोज फॉर्मेट ऑब्जर्व करोगे
तो इफ आई कैन कैलकुलेट जीएवी म्यूनिसिपल टैक्स पेड, तो एक्चुअल जो पे होगा वो माइनस होगा, सो देर इज नो कॉम्प्यूटेशन इन्वॉल्व इन दैट। एनएवी तो अपने आप निकलेगा, जीएवी माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड। तो अब बचता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसका तो कोई इश्यू नहीं है, इट इज 30% ऑफ एनएवी। तो अब जो चीज बचती है समझने के लिए, दैट इज इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ओके, तो क्या होता है, वो जो अपने हाउसिंग लोन लिया है उस लोन पे जो इंटरेस्ट पे हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। लोन कौन कौन से चीजों के लिए हो सकता है? इट कुड बी वन फॉर द पर्पज ऑफ परचेस ऑफ प्रॉपर्टी, टू फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, थ्री फॉर द पर्पज ऑफ रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, मतलब रिनोवेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तीनों में से किसी भी चीज के लिए लोन है या मल्टीपल चीजों के लिए लोन है, उस लोन पे जो इंटरेस्ट पे हो रहा है, उस इंटरेस्ट का आपको मिलता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B। समझ में आ गया? 24B मतलब ये देखो, यहां पे यूज किया है ये कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उसमें आपने देखा नेट एनुअल वैल्यू इज निल, मतलब वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए जो कैलकुलेशन चालू है वो सिर्फ एसएससी के बेनिफिट के लिए है। यस, बेनिफिट ऑफ व्हाट? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो ऑब्वियसली व्हेन प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के लिए सीलिंग लिमिट है, करेक्ट? तो वो सीलिंग लिमिट्स क्या है देखते हैं। सीलिंग लिमिट मतलब, सीलिंग लिमिट मतलब एक हद, एक लिमिट बियॉन्ड विच डिडक्शन विल नॉट बी अलाउड। ओके, जस्ट टू गिव यू एग्जाम्पल, ओके, यहां पे देखो क्या लिखा है। इफ लोन इज फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, देन कैन यू सी व्हाट इज द सीलिंग लिमिट? देन सीलिंग लिमिट इज 30,000 रुपीज। कैन यू सी? सपोज मैंने रिपेयर्स रिन्यूअल्स के लिए लोन लिया है एंड माई इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज से 65,000 एंड द प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो मुझे मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? परफेक्ट, आई विल गेट मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ 30,000। ओके, इसका मतलब है मैं पे कितना कर रहा हूँ? 65,000, बट डिडक्शन कितने का मिलेगा? 30,000। गेटिंग इट? तो एक कैप लगाई है, एक लिमिट लगाई है गवर्नमेंट ने, इफ प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड देन आपको डिडक्शन कितना मिलेगा उसके लिए लिमिट लगाई है, दैट लिमिट इज 30,000। ओके, एंड यहां पे देखो, इफ लोन इज टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन देन दिस इज द यूजुअल लिमिट दैट वी नो, ₹2,00,000। तो आपने बहुत बार सोचा होगा कि आई एम पेइंग इंटरेस्ट ऑन माई हाउसिंग लोन विच इज से 3,60,000 फॉर द ईयर, देन वाई एम आई गेटिंग डिडक्शन ऑफ 2,00,000 ओनली? अब मुझे लगता है आपको इसका सोल्यूशन मिल गया। यू आर गेटिंग डिडक्शन ऑफ ओनली 2,00,000 बिकॉज दैट इज सीलिंग लिमिट अंडर सेक्शन 24B। ओके, एक बात याद रखनी है, जब हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है तभी ये सीलिंग लिमिट एप्लीकेबल है। इफ योर हाउस इज गिवन ऑन रेंट देन देर इज नो सीलिंग लिमिट, आप जितना इंटरेस्ट पे करोगे उतने का डिडक्शन मिलेगा आपको, करेक्ट? आपका लोन यदि 1 अप्रैल 1999 से पहले का है तो सीलिंग लिमिट इज 30,000। ओके, इवन दो द लोन इज फॉर कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी। ओके, आपको देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, वो एग्जाम्पल ये प्रूफ करने के लिए दिया है कि दैट सीलिंग लिमिट इज नॉट हाउस वाइज बट द सीलिंग लिमिट इज एसएससी वाइज। इसका मतलब बहुत बार हमने देखा है, या इन 90% ऑफ द केसेस द प्रॉपर्टी इज जॉइंटली ओन्ड बाय हजबेंड एंड वाइफ, करेक्ट? उस केस में सपोज दे आर जॉइंटली पेइंग द लोन ऑल्सो, देन दे बोथ विल गेट डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ओके, एंड लिमिट विल बी 2,00,000 each SSC, so limit is 2,00,000 each SSC slash 30,000 each SSC
एंड नॉट ईच हाउस. ओके, यहां पे देखो एग्जाम्पल दिया है मैंने, से 4,50,000 इज द इंटरेस्ट पेड, ओके, ऑन अ पर्टिकुलर लोन विच इज फॉर यू नो परचेस ऑफ अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. 4,50,000 इंटरेस्ट पे हुआ है एंड हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के बीच में ये पे हुआ है. बोथ हैव पेड मे बी फ्रॉम द जॉइंट अकाउंट. ओके, हाउस इज ऑन द बोथ नेम्स, दैट इज जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड लोन भी जॉइंटली लिया है. तो आप क्या करो, 4,50,000 डिवाइडेड बाय 2, यू विल गेट 2,25,000. सो ईच ऑफ देम कैन टेक डिडक्शन ऑफ 2 लैक्स. समझ में आ गया? डिडक्शन विल बी 225 और 2 लैक्स, विच एवर इज लोअर. ओके, तो कैप लगाएंगे 2 लाख का. करेक्ट, समझ में आ रहा है? गॉट इट. आगे बढ़ते हैं. हाँ, एक और चीज आजकल हम देखते हैं कि हाउस इज परचेस्ड बिफोर इट गेट्स कंप्लीटेड, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस परचेस करते हैं, इजेंट इट? सपोज अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस परचेस किया है, यू कैन नॉट टेक डिडक्शन टिल द टाइम द प्रॉपर्टी इज कंप्लीट. ओके, ये दिमाग में फिक्स कर लो. क्या क्या होता है, जब से आपने लोन लिया है उस डेट से लेके जिस ईयर में वो कंप्लीट हुआ है, ओके, से वो कंप्लीट हुआ है 2021-22 में हाउस कंप्लीट हुआ है, बट आपने लोन लिया था 1 अप्रैल 2019 को आपने लोन लिया था, तो 1 अप्रैल 2019 टिल 31 मार्च 21, ये जो स्पैन है ना, दिस विल बी कॉल्ड एज प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड. एंड उस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट होता है वो अलाउ तभी होगा जब ये प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई है. करेक्ट. सो से प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई है 1 जनवरी 22 को, तो यू कैन क्लेम डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर द फर्स्ट टाइम इन फिनेंशियल ईयर 21-22. तो इन शॉर्ट, फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग लोन टिल 31 मार्च 21 को बोला जाएगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट. एंड वो इंटरेस्ट अलाउ होगा फॉर द फर्स्ट टाइम इन 21-22. करेक्ट. कितना अलाउ होगा? 1/5 इन दैट ईयर. ओके, बट ये मत भूलना उस साल 2 इंटरेस्ट होंगे आपके पास, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट प्लस उस साल का इंटरेस्ट, दैट इज 21-22 का खुद का इंटरेस्ट. तो आप दोनों को जोड़ के, दोनों का एडिशन करके आप डिडक्शन, दोनों को प्लस करके आप डिडक्शन ले सकते हो. देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है मैंने बताया हुआ. ओके, लेट्स गो थ्रू दैट एग्जाम्पल. लोन टेकन ऑन 1 जून 2019 फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ऑफ विच कंस्ट्रक्शन गॉट कंप्लीटेड ऑन 31 जनवरी 22. ओके, अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा 1 जून 19, मतलब जब लोन लिया है उस डेट पे स्टार्ट होगा. एंड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म कब होगा? 31 मार्च 21. क्यों 31 मार्च 21? बिकॉज प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई है 31 जैन 22, मीन्स प्रॉपर्टी गॉट कंप्लीटेड इन PY 21-22. तो PY 21-22 के पहले वाला 31 मार्च कौन सा है? इट इज 31 मार्च 21. तो वो बन जाएगा आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड. करेक्ट. अब ये जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वाला इंटरेस्ट होगा ना, इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर 21-22 इन आवर एग्जाम्पल. ओके, सो इन द अबव केस से इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इज 2 लाख, देन बिगिनिंग विथ 21-22 इट विल बी अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 40,000 ईच. टेक 2 लैक्स अपॉन 5, 40,000 ईच अलॉन्ग विद द करंट ईयर इंटरेस्ट. ओके,
और ये 40,000 अलाउ होगा FY 2021-22 में, अनदर 40,000 विल बी अलाउड इन 2022-23, अनदर 40,000 इन 2023-24, अनदर 40,000 इन 2024-25 एंड लास्ट 40,000 इन 2025-26। तो आपका कुछ लॉस नहीं होगा, बट जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड अलाउ होगा वो 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में होगा, करेक्ट? ऐसा क्यों है दोस्तों? Why is it so? This provision? Because my house got completed in 21-22 for the first time, then only I can take deduction of interest on borrowed capital. जब तक house complete नहीं है तब तक मैं deduction नहीं ले सकता interest on borrowed capital का. Okay? अब बहुत हो गया discussion, अब एक sum कर लेते हैं, एक example कर लेते हैं. Okay? See, Mr. B as a house property fetching rent of 50,000 per month. Okay. मैं smile क्यों कर रहा हूँ? Because I am doing example. And आपने ना suppose ये notebook में किया like a genuine student, then it will be most helpful for you. Okay. So one of my relative who met me in between, okay, before making this session, she told me that, you know, it will be best if we sit with the notebook. So, you know, we will actually understand what type of calculation is happening. And that thing will be fit in our mind. So, yes, aisa possible hai, to please do it. Go ahead. No one is stopping you. And if you do this exercise, please click the photo and put in the comment. I don't know whether YouTube comment allows to put the photos, but kya kar sakte aap? मुझे भेजो. देखो मेरा नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, सो यू कैन सेंड इट टू मी, इट विल बी हाईली अप्रिशिएटेड. देखते, मिस्टर बी हैज अ हाउस प्रॉपर्टी फेचिंग रेंट ऑफ 50,000 पर मंथ. मतलब क्या मैं इस प्रॉपर्टी को लेट आउट बोल सकता हूँ? ऑब्वियसली यस. ही पेड म्यूनिसिपल टैक्सेस ऑफ 20,000 ड्यूरिंग द ईयर 21-22. तो ये देखो एक्चुअल म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड आ गए. He has paid EMI of 30,000 per month on loan taken for purchase of said property. Out of that, 2,40,000 is towards interest and balance 1,20,000 is towards principal. Samajh mein aa gaya? Compute income from house property of Mr. B for AY 22-23. Simple format follow karna hai. Okay. Take on your calci 50,000 पर मंथ इंटू 12, 6 लाख. ये 6 लाख हो गया आपका जीएवी, करेक्ट? मैं आपको देखो कैलसी पे करने को बोलता हूँ. 6 लाख हो गया जीएवी सबका. जीएवी में से यू माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड 20,000, सो 6 लाख में से यू माइनस 20,000, चेक, यू विल गेट 5,80,000. ये हो गया एनएवी. नाउ टेक स्टैंडर्ड डिडक्शन विच इज 30%, वो हो गया 1,74,000 एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल टेक फुल डिडक्शन. वाई सो? वाई नो लिमिट? परफेक्ट, नो लिमिट, बिकॉज दिस प्रॉपर्टी इज लेट आउट. लिमिट किसके लिए होता है? सिर्फ और सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए होता है, इजंट इट? So take full 2,40,000 and check, you will get final answer as 1,66,000. Yo ho! Kin kin ka aaya final answer? Mujhe bolo comment mein. So easy this calculation. Ab ek samajh lo, jo apne principal pay kiya hai, principal jo pay kiya hai, wo aapko allow hoga as deduction under section 80C. To iske liye आप जब ईएमआई पे करते हो तो दोनों कंपोनेंट्स का बेनिफिट मिलता है, प्रिंसिपल का भी, इंटरेस्ट का भी. समझ में आया? इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ओके, एंड प्रिंसिपल का डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C. आई होप आपको समझ में आया, ओके. अगर इसी केस में, पहले आपको समझाता हूं, इसी केस में ये प्रॉपर्टी सपोज होती
सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो इन दैट केस एनएवी विल बी डायरेक्टली निल, ओके? सो स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑल्सो विल बी निल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन आपको मिलेगा सिर्फ 2 लाख, ओनली 2 लाख, नॉट 2,40,000, एंड दैट विल बी अ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, करेक्ट? एंड उस लॉस को आप सेट ऑफ कर सकते हो अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम। समझ में आ गया? तो इसके लिए लॉस इज बेनिफिशियल। एनीवेज, उसके लिए एक अलग इलस्ट्रेशन आने वाला है, समझ में आएगा आपको, ओके? इजीली समझ में आएगा। देखो मिस्टर सी, तो एक नया इलस्ट्रेशन है, ओके? आप जब चाहिए ना तब वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो इलस्ट्रेशन का, उसके सॉल्यूशन का, और उसको फिर से डीप में पढ़ सकते हो। चाहिए तो मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो, ओके? प्लीज फील फ्री, ओके? देखो फाइनल एम तक, एम क्या है, आपको टैक्स समझ में आना चाहिए। सो सी टू इट दैट, ओके, यू यू नो हेल्प योर सेल्फ। मिस्टर सी ओन्स अ हाउस विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। ही हैज पेड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर द सेड हाउस अमाउंटिंग 2,30,000 ड्यूरिंग द पीवाई 21-22। ही हैज सैलरी इनकम ऑफ 10 लाख अर्न ड्यूरिंग द पीवाई। अब आपका वो सैलरीज वाला नॉलेज भी टेस्ट होगा, समझ में आया ना? सैलरी का नॉलेज टेस्ट होगा। आई हैव टोल्ड यू ही हैज सैलरी इनकम कंप्यूटेड। कंप्यूटेड मतलब आफ्टर क्लेमिंग दैट स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000। याद है ना आपको? यदि आप में से किसी ने देखा नहीं है बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स या फिर इनकम फ्रॉम सैलरीज या दोनों, जो भी है देखा नहीं है, तो चेक दिस सेम चैनल, यू विल फाइंड सेशन 1, सेशन 2। सो एनीवेज, फुल एंड फाइनल सैलरी इनकम इज 10 लाख रुपीज। मेरा आपसे सवाल है, कंप्यूट टोटल इनकम, नॉट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बट कंप्यूट टोटल इनकम फॉर AY 2022-23, एज्यूमिंग दैट प्रिंसिपल रीपेड ऑफ हाउसिंग लोन इज 1 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। देखो दोस्तों सिंपल है, हियर सैलरी इनकम इज कंप्यूटेड, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कितना होगा? देखो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उसका एनएवी इज निल। सर बहुत ही टेक्निकल जा रहे हो। देखो टेक्निकल तो जाना ही पड़ेगा ना थोड़ा तो, ओके? नेट एनुअल वैल्यू इज निल, सो एनएवी इज निल बिकॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑल्सो विल बी निल। सर म्यूनिसिपल टैक्स का? अरे कुछ मत करो म्यूनिसिपल टैक्स का, ओके? दिया भी होता तो भी डोंट डू एनीथिंग विथ म्यूनिसिपल टैक्स हियर, बिकॉज डायरेक्टली एनएवी कंसिडर करनी है जो नील होती है सेल्फ ऑक्यूपाइड में, क्लियर? अब देखो आगे जाके, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की सीलिंग लिमिट है 2 लाख बिकॉज प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड, फंटास्टिक। तो 2 ही लाख डिडक्शन मिलेगा। सर 30,000 का क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, यू पेड 230 बट गवर्नमेंट गेव यू बेनिफिट ऑफ 2 लाख, विल दैट 30,000 भी टैक्सेबल? देखो पहले आपका इनकम तो टैक्स हो ही रहा है, दिस इज गवर्नमेंट हु इज गिविंग यू बेनिफिट टू क्लेम डिडक्शन। तो मैं ये बोलना चाहूंगा 2,30,000 पे करने के बावजूद डिडक्शन मिलेगा 2 लाख का ही, उतना ही बोलना चाहूंगा, ओके? सो 2 लाख विल बी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल विच विल बी ऑफकोर्स निगेटिव है, तो देर इज अ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निगेटिव 2 लाख, मतलब लॉस हुआ। यस लॉस हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखो इनकम टैक्स में ऐसे हम कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल सकते हैं लॉस के लिए, बिकॉज लॉस विल बी अलाउड टू बी सेट ऑफ। सो नाउ सेट ऑफ दिस 2 लाख रुपीज अगेंस्ट सैलरी इनकम। सैलरी इनकम कितना है? 10 लाख। सो आपका ग्रॉस टोटल इनकम कितना हो जाएगा? 8 लाख। और अभी 8 लाख में से आप माइनस करो प्रिंसिपल रीपेड बिकॉज इट इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। तो अब आपका फाइनल टोटल इनकम आएगा 7 लाख। डिड यू अंडरस्टैंड हाउ हाउसिंग लोन
reduces your total income and thus tax liability. ओके मैंने देखो यूट्यूब पे बहुत ऐसे वीडियोस आते हैं कि सेव योर टैक्स, इतना इन्वेस्ट करके इतना टैक्स बचाओ, एंड ऑल दिस टाइप्स ऑफ वीडियोस आर देयर. बट यू नो इफ यू अप्रोच दोज वीडियोस विदाउट हैविंग दिस बेसिक नॉलेज, इट विल बी हाफ नॉलेज. एंड यू नो हाफ नॉलेज इज डेंजरस. दैट्स वाई मैंने क्या ठेका उठाया है कि सबको ये बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाए. करेक्ट. तो अब समझ में आया कि हाउस परचेज करके कैसे फायदा हो सकता है फ्रॉम टैक्स पर्सपेक्टिव. यस वंडरफुल. सो आपको कैसे लगा वीडियो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. एंड हियर आर द मोस्ट अवेटेड क्विज क्वेश्चंस. तीन क्वेश्चंस है. ओके आप उसके जवाब कमेंट बॉक्स में देना. एंड ऑब्वियसली यू नो द वन हु गिव्स करेक्ट आंसर विल विन सम प्राइज. वो लास्ट वीक का प्राइज ऑलरेडी भेजा है मैंने. करेक्ट. इट इज वन बुक विच आई हैव सेंट टू द विनर. सो आप भी आप पार्टिसिपेट हो सकते हो. काइंडली पुट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स. देन आई विल रिवर्ट एंड सेंड द प्राइज टू यू. देखो क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द क्वांटम ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A फॉर कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. बहुत ही सिंपल सवाल पूछ लिया. देन सेकेंड. ऑफकोर्स आंसर नहीं बताऊंगा अभी. व्हाट इज द लिमिट फॉर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर लोन टेकन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999. ओके एंड लास्टली हाउ मेनी हाउसेस कैन बी डिक्लेयर्ड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय द एसएससी. तो आई होप इन सब के सवाल आप जवाब आपको पता है एंड यू आर गोइंग टू पोस्ट देम इन द कमेंट बॉक्स. सो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन. सी यू इन सेशन नंबर 4 विथ सम बेसिक्स ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. सो टिल देन बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू. कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग.